हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। आज यानी मंगलवार से गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी धूम 10 दिनों तक रहेगी। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की रौनक हर ओर देखी जा रही है। भगवान गणेश की पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का क्रेज हर बार की तरह इस बार भी बना हुआ है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इन मूर्तियों को बनाने के पीछे मकसद यह है कि नदियों को दूषित होने से बचाया जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों में पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इसी क्रम में गुजरात के सूरत की एक महिला कलाकार ने साबुन का उपयोग कर भगवान गणेश की एक पर्यावरण अनुकूल मूर्ति बनाई है। अदिति मित्तल बताती हैं कि वह पिछले 6 साल से ऐसी ही मूर्तियां बना रही हैं। 6 साल से मैं इको फ्रेंडली गणेशा बना रही हूं, तो इस साल मैंने सोचा नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान का मैसेज है वो उस कंसेप्ट को लेके इसलिए मैंने साबुन से गणेशा बनाए हैं अब की बार। और जैसा कि हम सबको पता है कि भारत जल्दी विश्व गुरु बनने वाला है, तो इसलिए मैंने वो सोचते हुए पूरा एक स्टोरी क्रिएट किया है जिसमें मैंने दिखाया है कि जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसमें हम साइंटिफिक, कल्चरल, रिलीजियस, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल गोल्स सबको साथ में लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने चंद्रयान बनाया है और मोदी जी ने जो नाम रखा था शिव शक्ति वो भी काव किया है उसमें। रॉकेट, इसरो का रॉकेट बनाया है, वर्ल्ड बनाया है। तो यही सब बातें दिमाग में रख के मैंने ये स्कल्पचर बनाया है और इसमें कुल 2655 केजी यूज किया गया है साबुन। ये बनाने में पूरे 7 दिन लगे हैं और मैंने अकेले ने ये बनाया है। विसर्जन हम इसका स्लम एरियाज में साबुन को सबको बांटेंगे। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है। भगवान गणेश की आराधना करने से जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।